अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम अपनी जो बुक है साइंस उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ बॉडी। सारे बच्चों को याद होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या कुछ पढ़ा था। हमने आईज़ मीन आँखें, नोज़ मीन नाक, ईयर मीन कान, फिंगर मीन हैंड, माउथ मीन मुँह, आर्म मीन बाजू, लेग मीन टांग, फुट मीन पाँव। ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। होप सो बच्चे आप सबको ये पार्ट्स ऑफ बॉडी याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। ये बेटा वो चीज़ें थीं जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं। ओके, आज हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। मीन जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तो हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। चलें हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे पेज नंबर 5 ओपन करें। ओपन करके यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें। सम यू कैन नाट सी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं देख सकते। वी कैन शो यू सम ऑफ देम हेयर, हम वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। इनसाइड योर बॉडी इज़ अ स्केल्टन डैट लुक्स लाइक दिस, आपके जिस्म के अंदर स्केल्टन, जैसे आपका सर है, सर के अंदर एक पेटा खोपड़ी होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये ऊपर से हमें ऐसे जो हड्डियों का ढांचा टाइप सी सर के ऊपर मौजूद होती है, ये वाली, ये आपको ऊपर से जिल्द नज़र आती है, यानी कि आपको अपना सर नज़र आता है। सर के अंदर बेटा आपके खोपड़ी होती है जिसको स्केल्टन बोलते हैं, और स्केल्टन के अंदर बेटा आपके क्या होता है, ब्रेन होता है। स्केल्टन के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। इनसाइड योर हेड, आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, ये देखें, इनसाइड योर हेड इज़ अ ब्रेन। इनसाइड योर हेड यानी कि आपके सर के अंदर ब्रेन होता है। हम आगे रीडिंग में पढ़ेंगे कि ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन क्या क्या काम करता है हमारे जिस्म में। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इनसाइड योर हेड इज़ अ ब्रेन। आपके जिस्म के, आपके सर के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, BRAIN, ब्रेन के आपने स्पेलिंग भी याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, आपकी बॉडी में क्या होता है, इनसाइड योर बॉडी इज़ अ हार्ट। इनसाइड योर बॉडी इज़ अ हार्ट, आपके जिस्म के अंदर हार्ट होता है। हार्ट किसको बोलते हैं, दिल को बोलते हैं। हार्ट किसको बोलते हैं, दिल को, ये आपको ऐसे उर्दू में लिखते हैं, दिल। ओके, ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल चेस्ट में, अगर आप अपने चेस्ट पे हाथ पे रखेंगे अभी, तो आप अपने दिल की जो हार्ट बीट है उसको आप चेक कर सकते हैं। लाइक आपको थम थम की आवाज़ आएगी। ओके, जब आप तेज़ी से भागते हैं तब भी आपको फील होता है कि हमारे जो सीना है, हमारा जो चेस्ट है, इसके अंदर कोई चीज़ जो है वो थम थम की आवाज़ आ रही है। बेटा वो होता है हमारा हार्ट, ये देखें, ये हमारा हार्ट होता है। इनके इनसाइड योर बॉडी इज़ हार्ट, आपके जिस्म के अंदर हार्ट होता है। एक आपने पढ़ लिया है, हमारे हेड के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, और इनसाइड योर बॉडी आपका हार्ट होता है। ओके, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये वो चीज़ें हैं बेटा, मैं आप सबको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, और इनका एक अहम करदार होता है। थर्ड नंबर पे आ जाएं, आप ये देखें, इनसाइड योर बॉडी, यहाँ पे आप रीडिंग स्टार्ट करें। इनसाइड योर बॉडी आर टू लंग्स, हमारे जिस्म के अंदर टू लंग्स होते हैं। ये इस टाइप के लंग्स, ये बिल्कुल चेस्ट, ये जो आपकी चेस्ट है, आपका सीना है, इसके अंदर ये टू लंग्स भी होते हैं। टू लंग्स, लंग्स का क्या काम है, लंग्स जो है हमारे सांस लेने का, जो पूरा दिन हम सांस लेते हैं, सांस लेने के अमल में इनका एक अहम करदार होता है। ओके, ये हैं लंग्स, दे आर टू लंग्स, आपको पता चल गया है, इनसाइड योर बॉडी आर टू लंग्स। ओके, आगे आप रीडिंग में देखें ये क्या लिखा हुआ है, इनसाइड योर बॉडी आर टू किडनीज, हमारे जिस्म के अंदर टू किडनीज होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो टू बनी हुई हैं, इनकी जो शेप है, आपने कभी देखा होगा लोबिया जो हम पकाते भी हैं, उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसी आपके किडनीज की तरह होती है। ये टू किडनीज भी आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। ओके,
ओके, आपको अब सारा समझ आ चुका है कि हमारे जिस्म में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन उनका एक अहम किरदार है, वो हमारे बॉडी में बहुत काम करती हैं। क्या क्या है? हमारे हेड में स्केलेटन, यानी कि ये देखें आप, यहाँ से देखें हमारे जो हेड है, हेड में क्या होता है? ब्रेन होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में हार्ट होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ये वाले लंग्स होते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत कुछ होता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो मेन चीज़ें थी जो आपको पता चल चुकी हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपने बेटा इन क्वेश्चंस को समझना है, फिर अपनी नोटबुक पे लिखना है। ओके, डू यू नो व्हाट इज योर स्केलेटन डज? फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट योर स्केलेटन डज? क्या आप जानते हैं कि आपका जो स्केलेटन है वो क्या काम करता है? आपका स्केलेटन क्या काम करता है? बच्चों को पता है स्केलेटन मीन खोपड़ी, इसका क्या काम है, मतलब ये क्या करता है आपकी बॉडी में? ये बेटा आप देखेंगे तो अपनी बुक पे देखें तो इसका जो ए का आंसर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का आंसर यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, योर स्केलेटन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी। आपका जो स्केलेटन है सपोर्ट करती है और आपकी बॉडी की हिफाजत करती है। बेटा स्केलेटन मैंने आपको पहले भी बताया है, स्केलेटन में ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, यानी कि जो स्केलेटन है हमारे ब्रेन की हिफाजत करती है, हमारे बॉडी की भी हिफाजत करती है। फॉर एग्जांपल बेटा, जब हम बाइक चलाते हैं तो हम अपने सर पे हेलमेट रखते हैं। ओके, अगर हमारे सर पे हेलमेट होता है तो हम बाहिफाजत, अल्लाह ना करे अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, अगर हम गिर जाते हैं तो हमारे सर पे चोट कम लगेगी, कहाँ पे लगेगी? हेलमेट पे लगेगी। हेलमेट ने क्या किया? हमारे सर को प्रोटेक्ट किया, इसकी हिफाजत की। इसी तरह बेटा, जो हमारे सर जो है, इतना हार्ड सर, इतना सख्त सर होता है, ये जो है हमारा ब्रेन जो होता है बहुत नाजुक होता है, ब्रेन की हिफाजत करता है। अगर कभी हम गिर जाएं, हमारे सर पे चोट लगेगी तो इतनी ज़ोरदार चोट हमारे ब्रेन को नुकसान नहीं पहुँचेगा जितना हमारा सर को पहुँचेगा। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट योर हार्ट डज? क्या आप जानते हैं कि आपका हार्ट क्या करता है? आप सब बच्चों को पता है कि हमारा हार्ट जो है पूरा दिन पंप करता है ब्लड को। इसकी जो ये थम थम की आवाज़ आती है बेटा, जैसे आप अपनी मुट्ठी को क्लोज़ करेंगे फिर ओपन करें, सारे बच्चे इस तरह करें, अपनी मुट्ठी क्लोज़ करें फिर ओपन करें, इसी तरह पूरा दिन आपका जो हार्ट है वो पंप करता है, ऐसे कभी बंद होगा फिर ओपन होगा, बंद होगा फिर ओपन होगा। ओके, इसी तरह जो आपका, जब ये इसका जो क्लोज़ होना, ओपन होना, इट्स मीन कि आपका जो ब्लड है, आपका हार्ट पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में इसको पहुंचाता है। ओके, अब आपको याद रखना है कि आपका हार्ट का क्या काम है। हमारे हार्ट का काम है पंप करना, और पंप करके ये क्या करता है? ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखें, डू यू नो व्हाट योर ब्रेन डज? बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का क्या काम है? आप सबको पता होगा कि हमारा दिमाग क्या काम करता है, आप ज़रा मुझे बताएं। ओके, वेल डन। जो आपका ब्रेन है वो क्या काम करता है? यहाँ पे क्वेश्चन देखें, योर ब्रेन कंट्रोल्स योर थॉट्स एंड मूवमेंट्स। यानी कि बेटा, हमारे ब्रेन का काम है, जो पूरा दिन हम मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। मीन हमने खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, हमने कोई काम करना है, इवन कि आप लोग अपना होमवर्क करते हैं, तो ये आपका ब्रेन आपको कहता है कि आप ये काम करें। ब्रेन आपको हुक्म देता है तो आप फ़ौरन से वो काम करना शुरू कर देते हैं। लाइक इसके अलावा, जैसे बेटा आपके जो थॉट्स हैं, मीन आप जो कुछ याद करते हैं, इसके अलावा देखें, आपने अपना क्वेश्चन याद किया, जैसे आपने कल के सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी याद किए, आपने कल याद किए, लेकिन आप ज़रा अपने, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, फ़ौरन से आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन याद किया था, इसका ये आंसर है। ये काम किसने किया? ये काम आपके ब्रेन ने किया। आपके ब्रेन ने आपके सारे क्वेश्चन को अपने माइंड में स्टोर कर लिया। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये वो चीज़ें हैं बेटा जो हमारे जिस्म में इतना अहम काम करती हैं लेकिन हमें आँख से नज़र नहीं आती।
ये इन क्वेश्चंस को करने के बाद बेटा आपने अपनी नोटबुक पे ये वाला काम भी करना है, डू दिस टास्क इन योर नोटबुक। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन भी नोटबुक पे लिख लेने हैं ताकि आपको कभी ना भूलें, और नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है आप अपने ये भी नोटबुक पे कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम फाइव पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट यू कैन सी। ये तो बहुत ईजी है, अपने उन पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स लिखें जो आप अपनी आँख से देख सकते हैं। सब बच्चों को पता है, जल्दी से मुझे गिनवा दें। ओके, फाइव नेम्स आपने बताने हैं, उन फाइव नेम्स के आप स्पेलिंग भी याद कर चुके हैं, अब आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर लेनी है और अपनी नोटबुक पे बहुत अच्छा सा नीट करके आपने लिखना है, गंदा अपनी नोटबुक को बिल्कुल नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम फाइव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी यू कैन नॉट सी। उन पांच पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम लिखें जो आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। हम अभी उसकी रीडिंग कर चुके हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, वेरी इजी। योर ब्रेन, योर हार्ट, योर लंग्स, योर किडनीज एंड आप अपना स्टमक लिख सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्टमक भी होता है, जिसको मैदा बोलते हैं, जिसमें हमारा फूड जो है वो स्टोर होता है। स्टमक के क्या स्पेलिंग होते हैं? STOMACH। ओके, ये है स्टमक के स्पेलिंग, ये आपने अपनी नोटबुक पे नंबर फाइव पे लिख लेना है। बाकी फोर तो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आपने नोटबुक पे नंबर वन लिखे उसका आंसर, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, हर लाइन पे आपने एक एक पार्ट लिखना है। ओके बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा अच्छा पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छा अच्छा लिखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।